नमस्कार दोस्तों, अगर आप दांत खाज खुजली यानी कि स्किन फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं तो ये वीडियो पूरा देखना है आपको। इस वीडियो में ऐसी ही एक क्रीम के बारे में आपको बताया है हमने, जो कि आपके स्किन में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को, दांत खाज खुजली हो या बैक्टीरिया से संक्रमण हो, उसको ये खत्म कर देगी। दोस्तों बात करेंगे क्लोबेटाजियम क्रीम के बारे में। दोस्तों ये जो क्लोबेटाजियम क्रीम है, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई इसको बनाने के लिए इसमें मेडिसिन कौन सी डाली गई है। तो दोस्तों ये तीन चार मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। सबसे जो पहली मेडिसिन है वह है दोस्तों क्लोबेटासॉल। ये जो क्लोबेटासॉल है ये आपकी स्किन में स्वेलिंग को, खुजलाहट को और इरिटेशन को कम करती है। साथ ही दोस्तों स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा हो गया या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया या फिर सोरियसिस हो गया, ये उसको ठीक करती है। दूसरी जो मेडिसिन है वो है दोस्तों नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपके स्किन पर कहीं पर भी बैक्टीरिया से संक्रमण हो जाता है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है वो एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन है, मतलब दांत खाज खुजली को ख़त्म कर देती है। वह है दोस्तों मीकोनाजोल। मीकोनाजोल मेडिसिन जो है ये दोस्तों दांत खाज खुजली के उपचार में यूज़ की जाती है, तो वो भी इसमें पड़ी हुई है। साथ ही दोस्तों इसमें जिंक ऑक्साइड डाला गया है, जो कि अगर आपके स्किन में कहीं पर भी माइनर कट वगैरह लग जाता है या फिर जल जाता है या फिर डायपर रैश हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही दोस्तों इसमें बोरैक्स भी डाला गया है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो ये इंग्रेडिएंट इसमें पड़े हुए हैं। वहीं पे बात करें मेडिकल स्टोर पे ये कितने की मिलती है, तो दोस्तों 10 ग्राम का इसका ट्यूब आपको लगभग 67 रुपए का मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो मैंने इंग्रेडिएंट के तौर पे उसके यूजेस तो आपको बता ही दिए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि इस क्रीम का उपयोग स्किन इन्फेक्शन में किया जाता है, वो इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरिया से हुआ हो चाहे फंजाई से हुआ हो। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें तो अगर आपके शरीर में कहीं पर भी सूजन है, स्वेलिंग है, खुजली वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लालिमा है, तो उसमें इस क्रीम का आप उपयोग करेंगे तो वो आपकी ख़त्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों इसका उपयोग सोरियासिस में किया जाता है, एक्जिमा या फिर दोस्तों डर्मेटाइटिस या फंगल इन्फेक्शन, अगर किसी प्रकार का दांत खाज खुजली है आपके स्किन पे तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर बैक्टीरिया से संक्रमण हो गया है कहीं पर भी आपके बॉडी पे, एक्सटर्नल ही इसको यूज़ करना है, मतलब ऊपर से ही लगाना है, तो दोस्तों उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है इसके उपयोग। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में रिकमेंड करे। दोस्तों अब बताते हैं भाई आपको इसको लगाना कैसे है। तो दोस्तों इस क्रीम को आपको दिन में 2 से 3 बार लगाना है, एक्सटर्नली अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आपके प्रॉब्लम है उसको अच्छे तरीके से पहले पानी से धो लेना है, उसको क्लीन करना है, उसके बाद वहाँ पे ये क्रीम अप्लाई करनी है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि दोस्तों जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ की स्किन हल्की सी ड्राई हो जाना, वहाँ पे हल्की सी इचिंग होना, रेडनेस हो जाना, या फिर वहाँ पे जलन भी आपको महसूस हो सकती है, जो कि टाइम के साथ ये सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो क्लोबेटाजियम क्रीम के बारे में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया देर किस बात की कर रहे हो, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।